हिसार में हरियाणा रोडवेज संयुक्त संघर्ष समिति ने बर्खास्तगी नोटिस देने के विरोध में बस अड्डे पर प्रदर्शन किया। कर्मचारी ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष प्रदर्शन किया। समिति ने मौके पर हिसार के जीएम के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने बताया कि यह प्रदर्शन हरियाणा प्रदेश में किया जा रहा है। 2018 में भर्ती हुए क्लर्क से उनका डाटा मांगा गया है, उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि 700 बसें किराए पर लेकर चलाएंगे, 500 बसें जो खड़ी हैं उन्हें चलाया जाना चाहिए। सरकार अपने निजी लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 21 अगस्त को हरियाणा में प्रदेश स्तरीय हड़ताल की जाएगी, इसके बाद 5 सितंबर को चक्का भी जाम किया जाएगा। आज का ये प्रदर्शन पूरे हरियाणा में तमाम डिपो में रोडवेज के कर्मचारी कर रहे हैं कि 7 अगस्त की जो हड़ताल थी उसमें जो महानिदेशक की तरफ से 2018 में जो भर्ती हुए थे ड्राइवर और क्लर्क के, उनका पूरा डाटा मांगा गया है और उनका एक ड्रामा एक फरमान जारी किया है कि इनको टर्मिनेशन का नोटिस जारी किया जाए। ये उत्पीड़न की कार्रवाई है और आंदोलन को दबाने की एक प्रक्रिया है सरकार की। इस दबाव के आगे रोडवेज के कर्मचारी नहीं झुकेंगे, ये ट्रेड यूनियनों के अधिकारों पर एक हमला है। परिवहन मंत्री ये कह रहे हैं कि किलोमीटर स्कीम के तहत 700 प्राइवेट बसों को हम किराए पर लेकर चलाएंगे और ये कैबिनेट का फैसला है। हमारा कहना ये है कि हरियाणा रोडवेज में कंडक्टरों की कमी के कारण, वर्कशॉप कर्मचारियों की कमी के कारण 500 के करीब बसें डिपो में खड़ी हैं, कई महीनों से जंग खा रही हैं। किराए पर लेने की जरूरत क्या है, सरकार को ये जवाब दे। 500 बसें जो खड़ी हैं रोडवेज की, उनको चलाएं आप। हरियाणा कर्मचारी महासंघ 21 अगस्त को पूरे हरियाणा में राज्यव्यापी हड़ताल की काल दी है। इसी के साथ साथ कर्मचारियों की मानी गई मांगों को और रोडवेज के को निजी हाथों में देने की जो पॉलिसी बनाई सरकार ने, उसके खिलाफ 5 सितंबर को रोडवेज के कर्मचारी एक बार फिर पूरे प्रदेश में रोडवेज का चक्का जाम करेंगे। आज न्यूज के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।